बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच पुराना विवाद चल आ रहा था, इसको लेकर आज ये मारपीट हुई है। कुछ क्लास में बैठने के लिए लड़ रहा था, धक्का मुक्की क्लास में जाके कर रहा था। एक ही क्लास का था? नहीं, यही के क्लास का था सर। यहाँ पे जो सामने आता पीछे बैठा और स्कूटी से आता है। बाहर से नाम क्या लड़का, जो लड़का लेके बुलाया पता नहीं, यही पे पढ़ता है, यही इसी इंस्टीट्यूट का है। फोन लाइन पे करण जुड़ चुके हैं। करण, जिस तरह से छात्रों के बीच ये झड़प हुई है, ये पूरा मामला क्या है? करण, मामला ये जुड़ा कि छात्र पढ़ते थे कोचिंग संस्थान में, उसी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बाहर पे उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, जो पांच बाइक पे आए, तीन तीन लोग, 15-20 लोग, और धनाधन वहाँ पे मार शुरू कर कोचिंग संस्थान के गेट पर। वहाँ के अगल बगल का भी कहना है कि हमेशा से इस रास्ते पे मारपीट होती है, पुलिस भी वहाँ हमेशा गश्ती करती है, उसके बावजूद भी लड़के लोग इतने साहसी है कि वहाँ पे मारपीट करते हैं। और रही बात संस्थान की, तो संस्थान के सामने ना कैमरा है, ना उसके टाइप का कुछ, जैसे तैसे वो वहाँ पे पढ़ाई किया करवाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगल बगल के लोगों में दहशत कि हमेशा यहाँ पे बाइकर्स का गैंग क्रॉस करता है, गति से स्टंट करते हैं लोग, इससे काफी दुखी थे वहाँ के लोग। प्रशासन रोक लगा, और हालांकि प्रशासन द्वारा भी वहाँ पे गश्ती किया जाता है, एंटी रोमियो दल हमेशा वहाँ एक्टिव रहता है, उसके बावजूद भी लड़के में इतना साहसी है वहाँ के लड़कों में कि यहाँ पे आए दिन ये घटना को अंजाम देते रहते। तो कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में, पुलिस नाकामयाब, गैंग को रोकने में लगातार स्टंट करते नजर आते हैं, और या तो कभी कोचिंग के छात्रों की पिटाई कर दी जाती है या फिर आम सड़क पे चल रहे लोगों की पिटाई कर दी जाती है, लेकिन कर देखती रह जाती है। धन्यवाद करण आपका तमाम जानकारी।